हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और जीटीयू डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम बताते हैं आपको ताजा टेक की खबरें और जवाब देते हैं आप लोगों की टेक क्वेरीज का। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, और ये है 43 नई चाइनीज ऐप जो कि बैन हुई है। और इस बार एक और नया बैन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। यहाँ पे मैं तीन एग्जांपल देता हूँ। स्नैक वीडियो जो कि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन थी, उसको बैन किया गया है। ये भी चाइनीज एप्लीकेशन थी, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ अली एक्सप्रेस जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग ऑर्डर करते हैं इंडिया में, उस वेबसाइट को बैन किया गया है, उसकी एप्लीकेशन को बैन किया गया है। अभी तक जब तक हम ये टेक न्यूज बना रहे हैं तब तक अली एक्सप्रेस .com चल रही है, तो अगर आपने वहां पे कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है तो आप वहां जैसे रिफंड जरूर ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वेबसाइट भी चलनी बंद हो जाए, उसकी ऐप तो चलनी बंद ही हो गई है। साथ ही साथ अलीबाबा जो बहुत बड़ी कंपनी है जिसने पेटीएम और बहुत सी इंडियन कंपनी से अपना पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टर है वो लोग, उनकी भी एप्लीकेशन को बैन किया गया है। अलीबाबा की सभी एप्लीकेशन को बैन किया गया है, और अलीबाबा की एप्लीकेशन ट्रेडर्स और जो मार्केट में लोग होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से सामान और यहाँ इंडिया में बेचते हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होता है, वो लोगों का बिजनेस चलता है उससे। और ऐसे में अलीबाबा को बैन करना मतलब काफ़ी बड़ी बात है ये, और ऐसा शायद इसीलिए किया गया है कि ये बैन होने से जो इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो रहा है, जो इंडिया का लोकल सामान जो है वो ज़्यादा बिके, और बाहर से जो चाइना से इंपोर्ट होके जो सामान आ रहा है वो कम बिके, वो भी एक रीज़न हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो है कि सिक्योरिटी का ब्रीच है और कहीं ना कहीं ये डेटा लीक कर सकती हैं एप्लीकेशन, तो इसलिए इनको बैन किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में, और अगली खबर है पोको M3 के बारे में। पोको M3 ग्लोबली लॉन्च हो गया है, इसके ऊपर हमने ट्विटर पे वीडियो भी किया था जिसमें इसके सारे फीचर्स बताए हैं। पोको M3 इन शॉर्ट एक अच्छा फोन दिख रहा है, डिजाइन के हिसाब से फोन काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ इस फोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं अगर कंपेयर करें कंपटीशन से, तो रियलमी 7i के अंदर आपको जो हार्डवेयर मिलता है वो सेम मिलता है पोको M3 वाला, ऐसे ही मोटो G9 के अंदर जो हार्डवेयर मिलता है वो भी सेम मिलता है, लेकिन उन दोनों फोन्स के अंदर आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है। तो पोको M3 की जो यूनिक बात है वो है इसका FHD+ डिस्प्ले। साथ ही साथ इसकी प्राइस तकरीबन 11,000 के आसपास होने वाली है। हार्डवेयर थोड़ा वीक है लेकिन यहाँ पे स्टोरेज फास्ट दी गई है, रैम फास्ट दी गई है, और कुछ लोग तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से भी कंपेयर कर रहे थे पोको M3 को, तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में EMMC की स्लो स्टोरेज है, ये आपको समझना होगा। बाकी डिटेल कंपैरिजन हम बाद में लेके आएंगे, फिलहाल मैंने आपको आइडिया दे दिया है पोको M3 के बारे में। दोस्तों अगली खबर आ रही है वीवो इंडिया की तरफ से। बिना कोई ड्रामा करे सिंपल सीधे तरीके से वीवो इंडिया ने ट्वीट कर दिया है कि वीवो V20 Pro 5G एडिशन आने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी द स्लिमेस्ट 5G फोन, तो स्लिमेस्ट फोन इन टाउन करके वो कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, सिंपल तरीके से उन्होंने अनाउंस कर दिया और इस फोन का हम वेट करेंगे। हालांकि अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास आएगा नहीं आएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं। दोस्तों अगली खबर आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो X2021 जो कि बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन जिसका यहाँ पे एक ट्रेलर दिखाया गया था, वीडियो के अंदर प्रोटोटाइप दिखाया गया था, ये एक स्क्रोलेबल फोल्डिंग डिस्प्ले के साथ आता है, एक ऐसी चीज जो कि पहले तो कहीं नहीं देखी थी हमने, तो यहाँ पे ये फोन बहुत ही यूनिक है और इस फोन का ट्रेडमार्क लिया जा रहा है। जैसे धीरे धीरे ओप्पो इस फोन को पहले शोकेस करेगा अलग अलग कंट्रीज में, और उसके बाद 2021 में ये फोन लॉन्च भी हो जाएगा क्योंकि इसका नाम ही ओप्पो X2021 है। तो 2021 में ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा, इंडिया में आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आएगा तो ये काफी महंगा होगा और उस केस में शायद आप ओप्पो का उतना महंगा फोन लेना नहीं चाहेंगे। दोस्तों इन्फिनिक्स 08i के बॉक्स के ऊपर जो उसकी रिटेल प्राइस है वो है 18,999, 19,000 रुपये उसकी रिटेल प्राइस उसके बॉक्स पे लिखी गई है, ऐसा कहना है गैजेट डेटा का, और मुझे लगता है कि ये लीक काफ़ी सही हो सकता है। इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है जिस पे ये लॉन्च होगा वो 16,000 रुपये बताई जा रही है। ये फ़ोन इन्फिनिक्स की तरफ से अच्छा फ़ोन देखा जा रहा है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी बढ़िया गेमिंग वाला है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है, और फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरा है और 90Hz का डिस्प्ले है, तो ये सारी चीज पहले तो कभी नहीं हुई इन्फिनिक्स के फोन में लेकिन अब हो रही है, जिसका मतलब है कि ये फोन काफी सही हो सकता है और इसका वेट आपको करना ही चाहिए। हालांकि क्या आप 15,000 या उससे ज्यादा देने को तैयार होंगे इन्फिनिक्स के फोन के लिए,
वो थोड़ा डाउटफुल लगता है। इवन मुझे भी अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं तो मैं 10 से 12,000 के ऊपर वाला इन्फिनिक्स का फोन सजेस्ट करता ही नहीं। इवन 10-12,000 में रेडमी रियलमी के ऑप्शन बेहतर रहते हैं, क्योंकि उन फोन्स के अंदर आपको जो ओवरऑल फीचर्स मिलते हैं वो बहुत सही मिल जाते हैं। और इस प्राइस पे ऐसा नहीं है कि आपको रेडमी या रियलमी के अंदर ये प्रोसेसर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग अपने तरीके से अपने फोन को एडवर्टाइज कर रहे हैं। देखेंगे कि कैसा निकलता है फोन हमारी टेस्टिंग में। दोस्तों मोटोरोला एक फोन के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है और वो है 105 Hz का डिस्प्ले। जी हाँ, ये थोड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है फोन्स के अंदर आपको 90 Hz का डिस्प्ले मिलता है, 60 Hz का मिलता है, 120 Hz का मिलता है, तो 105 Hz का क्या मतलब है? ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक नया फोन है जो कि मोटोरोला का आने वाला है और ये फ्लैगशिप लेवल का फोन है। इस फोन के अंदर फाइनली ये जो कैपिंग है रिफ्रेश रेट की, उसको वो 90 Hz कर देंगे, लेकिन 105 Hz पे वो चेक कर रहे हैं कि भाई कैसा चलता है। तो ऐसे में रिफ्रेश रेट जितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फाइनली अगर स्टेबल तरीके की बात करें तो 90 Hz देखा गया है इंडस्ट्री के अंदर कि वो स्टेबल तरीके से मिल जाता है और फोन रिस्पॉन्सिव फील होता है, क्योंकि 105 Hz पे कुछ एप्लीकेशन अटकती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली ये फोन 90 Hz पे आएगा। लेकिन अगर ये 105 Hz पे आया मोटोरोला की तरफ से तो वो एक यूनिक बात होगी, और ऐसा क्यों कर रहा है मोटोरोला ये भी हमें पता जाएगा समय के साथ। दोस्तों ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट्स की वेरिफिकेशन शुरू होने वाली है 2021 के पहले मंथ में, जनवरी में। तो अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट है तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरीफाइड टिक जो आता है ब्लू कलर का, जो सबको बहुत पसंद है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्विटर जो है सजेशन ले रहा है सब लोगों से कि भाई अपनी पॉलिसी को कैसे हम इम्प्रूव करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकें, और साथ ही साथ उनको हम वेरिफिकेशन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, एक सिनेरियो पे दे सकें। तो देखते हैं क्या होता है, ट्विटर अपनी वेरिफिकेशन को ऑन करेगा, और उस केस में अगर आपके पास नॉर्मल अकाउंट है तो आप उसको वेरीफाई के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि पैसे तो लगने नहीं है, और वेरीफाई हो जाता है तो वो मेरे ख्याल से अच्छा लगता है, छोटा सा ब्लू टिक। दोस्तों कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि रेडमी वॉच इज लॉन्चिंग टुमारो, हालांकि यहां नहीं, इंडिया में नहीं, चाइना में। और यहाँ पे एक फोटो आई है उसके टीजर के अंदर, जो यहाँ पे अंकित जी ने ट्वीट करी है, और इस फोटो के अंदर आई थिंक वो जो वो होता है ना लंदन के अंदर होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, चलो आप ही बता दो इमेज को देख के क्या बोलते हैं, तो वो दिखाया जा रहा है। तो कुछ स्टाइलिश सी रेडमी वॉच लॉन्च होने वाली है, लग्जरियस की वॉच लॉन्च होने वाली है। देखते हैं इस लग्जरी वॉच की लुक्स कैसी रहती है, इसकी फील कैसी रहती है, पता चल जाएगा जैसे ही लॉन्च होती है चाइना। तो दोस्तों ये थी आज की सारी टेक की खबरें, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये टेक की न्यूज हम आपके लिए टाइम से लेके आते हैं, तो उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।